हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और यूज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीके से। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, जो मैं मेथड करवाने जा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कौन कौन सी है। समझ में आया आपको? अब यहाँ कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू माइनस की 24 है और जो सी की वैल्यू है वो -180 है। इसके बाद आपको निकालना होता है ए सी की वैल्यू क्लियरली नेगेटिव आ रही है। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे, 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 180 करें तो आपको मिलता है माइनस का 180। अब क्योंकि ये माइनस का निशान आया है इसलिए हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन, करने पर हमें मिलना चाहिए ये। इज दैट क्लियर? और जो बड़ी वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली जब सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, बड़ी वैल्यू का निशान रखेंगे जो कि बी का है और छोटी वैल्यू का जो उसका अपोजिट। फिलहाल यहाँ नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियरली समझ में नहीं आया? अभी आप देखिए समझ में आ जाएगा। तो 180 के टुकड़े करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 180 को डिवाइड करें, हमें 180 मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो आपको 180 मिल रहा है और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 179 मिल रहा है, जो कि आपके काम का नहीं है क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन करने पर ये 24 आना चाहिए। ठीक है, निशान हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है 2 जो है 2 से 180 डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलता है 90। अब आप देखिए दूसरा टुकड़ा 90 मिल गया और मल्टीप्लाई करके 180 मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 88 मिल रहा है जो कि आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट है, अब 2 के बाद 3 से भी 180 डिविजिबल है तो 3 से हम 180 को डिवाइड करें तो हमारा जो दूसरा पार्ट आ जाएगा मतलब 60। अब मल्टीप्लाई करके तो 180 मिल रहा है लेकिन जो सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 57 मिल रहा है जो कि हमारे काम का नहीं है। तो 3 हमने ट्राई कर लिए, अब तक हमारा जो आंसर नहीं आया है, तो इस तरीके से आपको ये रफ़ करना पड़ता है, फेयरली करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 से करें तो नेक्स्ट नंबर 90 आता है अगर 180 को 4 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करके तो हमें, अरे 90 नहीं आता, कितना आता है इसका आधा, 45 आता है, सॉरी। तो मल्टीप्लाई करके तो 180 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन करने पर 41 आ रहा है जो कि हमारे काम का नहीं है। 4 के बाद 5 से करें तो 5 3 15 और बचा ये 36। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें और तो आपको मल्टीप्लाई करके तो 180 आ रहा है लेकिन अब ये तो देखिए ऐसा करने की वजह से आपको लग रहा होगा ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन जब आप रफली काम करेंगे ना तो ये फटाफट से हो जाएगा। तो आपको ऐसे करने से कोई डाउट नहीं रहेगा, तुक्के तो आप लगा ही नहीं सकते हो। और माइनस करके आपको 31 मिल रहा है, आपके काम का नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है 6। 6 से करने पर हमको मिलता है नेक्स्ट नंबर 6 3 18 30। अब ये देखिए ये आपके काम का है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 24 है तो ये आपके टुकड़े, जो आपको टुकड़ा चाहिए वो आ गया। तो मतलब 6 टुकड़े कर या पेयर्स लेने पर आपके जो है 5 में तो आप कामयाब नहीं हुए लेकिन जो लास्ट का जो है इसमें आप कामयाब हो जाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपके काम का है। अब वही बात जो मैं आपको कह रहा था निशान की, तो जो बड़ी वाली वो निशान वही होगा जो कि आपका बी का निशान है, तो मतलब ये तो होगा नेगेटिव और जो ये है ये पॉजिटिव लगेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो तभी होगा ना, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का। और बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि बी का है। ठीक है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके हम इसको स्प्लिट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब आप देखिए हम इसको स्प्लिट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब आप देखिए कि आपको कैसे लिखना है। पहला तो आपको जो है स्टेटमेंट ही लिखनी होती है कि जो आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है,
इसके बाद मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर और माइनस का 30x लिख दिया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बड़ी वैल्यू का निशान नेगेटिव रखेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि b का निशान नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू 6 है तो उसके साथ प्लस का। इज दैट क्लियर? सोल्व करने पर आपको वापस ये मिलना चाहिए, तो माइनस का 24x मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है माइनस का 180x स्क्वायर। तो ये तरीका है ये करने का, ठीक है। ओके, अब आगे आप देखिए कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है। क्लियरली यहाँ कॉमन निकल रहा है x और इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 6। तो जो कॉमन निकल रहा है वो हम कॉमन निकाल देंगे, x से कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वेयर को और 30x को आपको डिवाइड करना है उसी नंबर से जो आपने कॉमन निकाला है। यहाँ 6 कॉमन निकल रहा है तो 6x को और 180 को आपने डिवाइड करना है उसी नंबर से जो आपने कॉमन निकाला है, मतलब 6 से यहाँ पर। तो इधर दोनों जगह डेनोमिनेटर में वही नंबर आया जो कि यहाँ पर था और इधर डेनोमिनेटर में दोनों जगह वो नंबर आया जो कि हमने कॉमन निकाला था। बात क्लियर हो गई? ओके, तो अब आगे इसको सॉल्यूशन को करें तो आप देखिए एक्स से एक्स कट गया, 6 से 6, 6 से ये 30 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर में से एक एक्स हट जाएगा जो डेनोमिनेटर में है, तो आपको मिलता है एक्स माइनस 30। दूसरी ब्रैकेट में भी एक्स माइनस 30 मिलना ज़रूरी है जो कि मिला भी है। आप देखेंगे कि आपको एक्स माइनस 30 ही मिल रहा है, एक एक्स हो गया और एक ये माइनस का 30 हो गया, ठीक है। अब एक्स माइनस 30 मैंने कॉमन दोनों के अंदर से लिया तो इस वाली टर्म के अंदर से एक्स माइनस 30 कॉमन लेने पर बचा एक्स, तो दूसरी ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। इस वाली जो टर्म के अंदर से जो ये हमारे पास एक अलग से टर्म है तो इसके अंदर से कॉमन लेने पर एक्स माइनस 30 आपको बचता है प्लस का 6, तो प्लस का 6 कर दिया। अब ये हुआ आपका आंसर, आपको क्लियर हुआ? तो ये एक मेथड है इसको सॉल्यूशन को करने का। अब आपको क्या करना है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये आपके दोस्त के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपकी भी गुडविल बनेगी। और सब काम करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और ऑल पर क्लिक भी कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट इसके बाद का कोई सॉल्यूशन। बाय।